डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम क्लास गैस्ट्रोपोड की डाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी का मतलब है कि ये एनिमल्स हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं अब गैस्ट्रोपोड जो है ये मोलस्का की सबसे लार्जेस्ट क्लास और इसको इसके अंदर जो सब क्लास सूडो है दैट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सब क्लास एंड इट रिप्रेजेंट्स मेरी हायर एनिमल्स ऑफ क्लास गेस्ट्रोपोडा ट्वेंटी थाउजेंड स्पीशीज़ जो हैं वो गैस्ट्रोपोड की मेरीन है लेकिन कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर भी हैं इसके अलावा काफ़ी सारे गेस्ट्रोपोड हमें टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं ज़्यादातर मेम्बर्स जो हैं सब क्लास के लिए हरबी वर्ड्स हैं डिपोजिट फीडर्स हा एवर कुछ जो गेस्ट्रोपोड हैं कॉर्नीवरस भी हो सकते ये एग्ज़ाम्पल है गैस्ट्रोपोड्स की जो कि हमें फ्रेश वाटर के अंदर नज़र आएंगे कुछ गैस्ट्रोपोड्स जो कार्निवरस होंगे ये नॉर्मली वाटर में जब रहेंगे तो दे इंजेक्ट विनोम इन टू फिश मोलस आर एनिलिड जो कि इनको एज अ प्रे यूज़ करेगा और उसके बाद जो है इनके अंदर हारपोन लाइक स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर की हेल्प से ये अपने आप को अटैच भी कर लेंगे फिर इसके अंदर प्रोसोब्रोंक गैस्ट्रोपोड्स जो हैं इनमें ज़्यादातर वो एनिमल्स हैं जो कि मेरीन स्नेल्स कहलाते हैं और इनके अंदर जो है एबेलोन और मेरीन स्नेल्स जो हैं दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रोसोब्रेंक गैस्ट्रोपोड्स फिर इस सब क्लास के अंदर हेट्रोपोड्स मौजूद हैं ये एनिमल्स जो हैं वो रेशियस प्रीडेटर्स है और इनके अंदर स्मॉल शेल या कोई भी शेल मौजूद नहीं होगा इनका फुट जो है दिस इज़ यूजुअली मॉडिफाइड इनटू टू स्ट्रक्चर दैट प्रोपेल द एनिमल थ्रू द वाटर फिर इस क्लास के मेंबर जो हैं उसको हम ओपिस्थोब्रेंकिया सब क्लास जो है इसमें मौजूद हैं सी स्लग उसके रिलेटिव सी हेयर्स दीज आर प्रमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एनिम क्लास जिसको हम कहेंगे ओपेस्थो ब्रेंकिया एंड इट इज सब क्लास ऑफ क्लास गेस्ट्रोपोडा यहाँ गेस्ट्रोपोर्स की डाइवर्सिटी देखें ये हमें मेरीन एन्वायरमेंट के अंदर एक ब्यूटिफुल बंच ऑफ फ्लार की शक्ल में नजर आएंगे अब ये मोस्टली मेरीन गेस्ट्रोपोर्ट्स थे इसमें फ्यू से ले कर टू थाउजेंड तक गैस्ट्रोपोड्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं इनका शेल मेंटल कैविटी, गिल्स जो हैं दे आर आइदर रिड्यूस्ड या लॉस्ट हैं और इसकी वजह से ये एनिमल डिफेंसलेस है यानी इनके ऊपर कोई भी आराम से अटैक कर सकता है कोई भी इनके बॉडी में प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कुछ के अंदर निमेटोसिस मौजूद होंगे निमेटोसिस जो हैं दे आर नॉर्मली यूज्ड टू वे वार्ड ऑफ द प्रीडेटर्स के वो प्रीडेटर्स को पुश करने में इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं प्रोटोपोड्स जो हैं इनके अंदर फुट मौजूद है फुट जो है दिस इज मॉडिफाइड इन टू थिन लोब्स एंड इज यूज फॉर स्विमिंग फिर सब क्लासेस के अंदर पल्मोनेटा जो है दिस इज नॉर्मली हैविंग सेवनटीन थाउजेंड फ्रेश वाटर या टेरिस्ट्रियल स्पीशीज स्नेल्स मौजूद हैं हर्बीवर्स हैं रेडूला मौजूद है रेडूला जो है दिस इज़ यूजली हेल्पिंग इन स्क्रैपिंग प्लांट मटीरियल अब ये गैस्ट्रोपोर्ड्स की डाइवर्सिटी देखें कितना ये गैस्ट्रोपोर्ड्स हमें स्नेल स्लग ये एनिमल्स जो हैं इस शक्ल में टेरिस्ट्रेल गेस्ट्रोपोर्ड की ये एक एग्जांपल है फिर मेंटल कैविटी जो है इसकी हाईली वस्कुलर है क्योंकि ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगी और टेरिस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर दिस मेंटल कैविटी विल एक्ट लाइक अ लंग एयर और वाटर दे विल मूव इन टू द बॉडी आउटसाइड द बॉडी थ्रू द मैंटल कैिटी की ओपनिंग जिसको हम कहेंगे न्यूमेटोस्टोंग इन एडिशन टू टिपिकल फ्रेश वाटर और टेरिस्ट्रियल स्नेल्स पल्मोनेट्स जो हैं इसके अंदर गार्ड स्लग्स जो हैं दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ गेस्ट्रोपोड जो कि टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे मौजूद